मुझे लगता है ये इस पिक्चर की वजह से वैसे ही निकल जाएगी आपकी गाड़ी। सो अब बारी आती है टोयोटा की। पहले हमने देखी होंडा, फिर देखी मार्गला जो कि सुजुकी की। ये कुछ गाड़ियाँ थी जो हमने कोशिश की कवर करने की। सो गाइस, अगर आपको इमरान खान मेहरान के साथ चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पी के। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज बहुत सालों बाद, तकरीबन मुझे लगता है काफ़ी अरसे बाद, हम बनाने जा रहे हैं वीडियो जुम्मा बाजार की अहमदाबाद के अंदर। और काफ़ी सारी गाड़ियां यहां मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आते आते काफ़ी लेट हो गए और मगरब का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी जितनी भी गाड़ियां लाइट के अंदर हो सकती हैं शाम पड़ने से पहले पहले वो हम कर लें और आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको अंडर 10 लाख काफ़ी सारी गाड़ियां देखने को मिलेंगी। वैसे हम स्टूडियो वीडियोस बनाते हैं कि 10 लाख के अंदर कौन कौन सी गाड़ियां मिल सकती हैं, तो आज फिज़िकली हम देखेंगे कि 10 लाख के बजट के अंदर अंदर हमें कौन सी फैमिली गाड़ियाँ मिल सकती हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म के इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी हम आपके लिए लेके आते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं पहली गाड़ी की जानिब। सो गाइस, आज की जो पहली गाड़ी हम देखने वाले हैं अहमदाबाद जुम्मा बाजार में, जिन लोगों का बजट 10 लाख रुपये तक है और वो फैमिली सेडान चाहते हैं, तो उसमें एक गाड़ी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं फहीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैंने नाम सही लिया आपका? मोहम्मद फहीम। मोहम्मद फहीम। अच्छा फहीम भाई, कौन सा मॉडल है ये और कौन सी बाइक है ये? 97 मॉडल है। ठीक है, सिन के रजिस्ट्रेशन के साथ। ठीक है, और पेट्रोल सीएनजी स्टार्ट है। ठीक है, दोनों चल रहे हैं जी। ऑटो ट्रांसमिशन में है। ठीक है, और एलईडी वगैरह लगे हुए हैं बैक कैमरा के साथ। अच्छा, रिम टायर लगा हुआ है। बाहर से शावर है, अंदर से टोटल सीलों में। और काम शाम तो नहीं है हमने? नहीं, एसी चल रहा है। एसी में सिर्फ गैस आई थिंक, मेरा ख्याल से कि वो डलवानी है, डलवानी पड़ेगी। ठीक है, बाकी तो ठीक है, बाकी ओके। तो जो मेजर क्वेश्चन होता है सबका लेने से पहले, कि लगी भी तो नहीं, एक्सीडेंटेड तो नहीं है? नहीं जी, सीलों में पूरी होगी। ठीक है, और किसके नाम पे? नाम पे अपना बंदा है उनके नाम। ठीक है, तो नाम पे मत टेंशन वो नहीं करवा हो जाएगी। ठीक है, तो क्या डिमांड कार्ड बना हुआ है? ठीक है, वो उसके साथ मिल जाएगा। बायोमेट्रिक भी मिल जाएगा? नहीं, ये सेल नंबर इसके लिए तो बायोमेट्रिक नहीं होती, आईडी कार्ड पे ही हो जाता है। अच्छा, हो जाएगा। ठीक है, और डिमांड क्या कर रहे हैं अभी? डिमांड 10 लाख रुपये। तो नेगोशिएबल है ना? हाँ जी, थोड़ा बहुत इसमें हो जाएगा। चलें, नंबर बोलिएगा अपना। 03038877418। ठीक हो गया। सो गाड़ी की कंडीशन आपने देख ली, अंदर से भी आप देख लें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन फैमिली कार है। ठीक है, एक तो होता है ना, सफाई सुथराई करके ही लेके आता है बंदा, लेकिन वो चीज़ नज़र भी आ रही होती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और जो सिविक लवर्स हैं उनको अंदाज़ा है कि अक्सर आप लोग देखते हैं कि इनके जो होते हैं डैशबोर्ड्स वगैरह क्रैक्स वगैरह आए हुए होते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ऑटोमेटिक गाड़ी है ये बताना फहीम भाई भूल गए थे, तो ऑटोमेटिक गाड़ी है ये। ज़्यादातर लोग आजकल ऑटोमेटिक ही प्रेफर कर रहे हैं। बैक पे भी हम देख लेते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा। एक सीट कवर का सीन है, वो आप ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो कून कसर होती है, वो आप करवा सकते हैं। मैं इसका हुड भी खोल लेता हूँ, इंजन आप चेक कर लें, इंजन बड़ा नीट एंड क्लीन, कोई लीकेज हमें बाहर नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल साफ सुथरा। कोई इंजन में इंशाल्लाह 1 रुपये का कम नहीं है। और बकौल फहीम भाई के, अपने नीट एंड क्लीन हालत में मीटर वगैरह, गैस थोड़ी सी रह गई है फहीम भाई, डलवा लीजिएगा गैस थोड़ी सी। अभी ये गैस पर ही चल रही है, पेट्रोल पर? गैस पेट्रोल दोनों। और मालिश क्या दे रही है वैसे? पेट्रोल में भी अच्छी है, तकरीबन 14 से 15, और सीएनजी में तो बहुत अच्छी है। सीएनजी में तो डेफिनेटली अच्छी होती है। तो अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई, डेफिनेटली आप रब्ता कर सकते हैं दिए गए फ़ोन नंबर पे। आज की दूसरी गाड़ी भी एक फैमिली सेडान है, और अगेन ऑन द बजट लोगों के लिए एक बेहतरीन चीज़ होने वाली है। ये अजीम गाड़ी दिखाने से पहले मैं आपको अजीम भाई से मिलाना चाहता हूँ, जो इसके ओनर हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मार्गला मैंने भी रखी हुई थी 2-3 साल, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की यूज़ की, उसमें एक ज़बरदस्त बात थी उसकी मालिश बढ़िया, वो क्लास थी। इसका क्या सीन है जी? इसका भी सर पेट्रोल पे 14 की एवरेज है और गैस पे 12 की। अच्छा, सिटी के अंदर? तो अभी एसी इसका चल रहा है? एसी ऑन है। ऑन है जी, वेरी गुड। काम शाम तो नहीं है ऐसा? काम सर इसमें टोटल सारा, हर चीज़ वर्किंग।
काम नहीं है। अच्छा, ये आप अभी आप बता रहे थे ये नवे मॉडल है, जापानी वेरिएंट है और 1000 सीसी इंजन के साथ आ रही है। 1000 सीसी, ठीक है, लाइफ टाइम है और जापानीज है। लाइफ टाइम टोकन नंबर कहाँ का है? लाहौर नंबर है, लाइफ टाइम है, स्मार्ट कार्ड मेरे नाम से। आपके अपने नाम से? वेरी नाइस। अच्छा, अगर टायर्स अगर देखें तो ये अलॉय व्हील्स और ये सब कुछ ऑलरेडी ट्यूबलेस टायर्स वगैरह इसके साथ लगे हुए हैं। अंदर से कंडीशन अगर आप देखें, साफ सुथरी गाड़ी है। अब 1990 को गुजरे हुए भी 34 साल हो गए हैं, तकरीबन 35वां साल जा रहा है, तो इन 35 सालों में डैशबोर्ड के ऊपर हल्का सा क्रैक आपको नज़र आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हर चीज़ इसकी इंटैक्ट है, नीट एंड क्लीन गाड़ी है। और जैसे मैंने बताया, जो कीमत है इसकी, जो अभी अजीम भाई बताएंगे, कीमत अजीम नहीं है, कीमत इसकी अफोर्डेबल है, मार्केट टू मार्केट वेरी भी करती है। यहाँ एबटाबाद के अंदर अभी जो इसकी मार्केट चल रही है, हम अभी आपको बता देते हैं। अजीम भाई के अपने नाम पे ये गाड़ी। जी अजीम भाई, क्या कीमत इसकी कर रहे हैं आप? सर, इसकी 7 लाख रुपया डिमांड है, मौके पे कमी बेची इंशाल्लाह आपके चैनल के वसत से हो जाए। वेरी नाइस। तो अभी आप थोड़ा सा अपना फ़ोन नंबर अगर बता दें, लोग कॉन्टेक्ट कर लेंगे। 315-50-12-770 पर। 50-12-773, ठीक है। 73 आता है एंड में, 773 आता है एंड में। अच्छा, मेजर क्वेश्चन, एक्सीडेंटल तो नहीं है? एक्सीडेंटल की गारंटी है, सील बाई सील की गारंटी है, बाहर से फ्रेश आवर लोग खुद करवाए। वो तो 34 साल भी गुजर गए, रहा क्या होगा? ओरिजिनल कलर में वो खुद करवाई, ठीक है। टचिंग वगैरह तो नहीं है? टचिंग सारी बाहर से शावर खुद करवाई है। अच्छा, वो टचिंग का मतलब ये है कि वो यू नो कोई फेंडर लगा हो या कुछ ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं, अंदर से सील बाई सील की गारंटी है। ठीक होगा जी। तो मार्गला अगर आपको चाहिए, मुझे याद है मैंने ली थी 2.5 लाख रुपए में, तकरीबन 5-6 साल पहले, और ये जो कीमतें बढ़ी हैं ये 5-6 साल में ही बढ़ी हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो बाकी अजीम भाई अच्छे आदमी हैं, आपने मज़ीद अच्छा होना है, बार्गेनिंग में आपने एक्सपर्ट होना है, तो ये और भी कम कर देंगे इंशाल्लाह तबारक व तआला, वो मसला परेशानी नहीं है। लाहौर नंबर है ये। तो चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी चेक करते हैं। थैंक यू अजीम भाई, शुक्रिया। थैंक यू। सो अब बारी आती है टोयोटा की। पहले हमने देखी होंडा, फिर देखी मार्गला जो कि सुजुकी की, और अब आती है बारी द डार्लिंग ऑफ पाकिस्तानी ऑटो मार्केट, 88 करोला। अब टोयोटा करोला 88 मॉडल किसी तारफ की मोहताज तो नहीं है। पहले इंजन ही हम इसका देख लेते हैं, नीट एंड क्लीन कंडीशन में सामने आप देख सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हम इसके ओनर से गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक है, क्या नाम है आपका? नबील। नबील भाई, कौन सा इंजन इसमें डाला हुआ है? अक्सर स्वैप हुए होते हैं ना, इसमें कौन सा इंजन है? ये 16 वाल 1600 है। 1600 इंजन, 16 वाल। और अगर यहाँ पे देखें तो गैस्केट लगी हुई है। सीएनजी पे अभी है या पेट्रोल पे चल रही है? सीएनजी पेट्रोल दोनों वर्किंग है। दोनों वर्किंग है जी। अभी किस पे चला रहे हैं ये? अभी ये EFI है ना, ये पेट्रोल पे स्टार्ट होती है, सीएनजी पे कन्वर्ट होती है। अच्छा 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 अच्छा, मुझे ये बताएं कि 1600 काफ़ी हैवी इंजन होता है, तो माइलेज क्या दे रही है सिटी के अंदर? सिटी के अंदर ये माइलेज तकरीबन अगर पेट्रोल पे देखें तो 14-15 दे रही है, ठीक है, लोकल में, और लॉन्ग पे जो है 17-18 कर रही है। 17-18 लॉन्ग पे। और एसी वगैरह सही है? एसी इसका नहीं है वर्किंग। अच्छा, ये मुझे ये बताएं, वैसे आपसे पूछना बनता तो नहीं है लेकिन आप ही से पूछ लेता हूँ, अब आप सामने हैं। एबटाबाद में अक्सर हम गाड़ियाँ देखते हैं, एबटाबाद में अब ठीक ठाक तकरीबन 35-40 तक तो जा ही रहा है टेम्परेचर, ऐसा ही है, तो लोग क्यों नहीं एसी ठीक करवाते? एबटाबाद में मौसम अच्छा है इसलिए। अच्छा, 35-40 भी हमारे लिए बड़ा अच्छा मौसम है, ठीक है, हम इसलिए ठीक नहीं करवाते हैं। अंदर है, मैं आपको गाड़ी चेक करवाता हूँ, क्योंकि हमने बैठना तो अंदर ही होता है गाड़ी के। तो इंटीरियर आप देख सकते हैं, इसको ब्राउन इंटीरियर कहते हैं, मैरून, मैरून, ये मैरून इंटीरियर के साथ आ रही है, ये जापानी है। और नबील भाई बता रहे हैं कि दिस इज़ बेसिकली जापानीज वेरियंट। कोई काम शाम तो नहीं है गाड़ी के? नहीं नहीं, मैकेनिकल A1 है। मैकेनिकली A1 है। और क्या डिमांड क्या कर रहे हैं आप इसके? 9.5 डिमांड कर रहे हैं। 9.5 डिमांड कर रहे हैं। नेगोशिएबल है? जी जी, फ्लेक्सिबल है ना, बातचीत हो जाएगी। नबील भाई से आपने बात कर लेनी है। नंबर कहाँ का ये? लाहौर। लाहौर का, ओके। और नाम पे है आपके? जी जी, ठीक है। अपना नंबर काइंडली बताइएगा। 0316-0316-5327-5327-934-934। अवेलेबिलिटी एबटाबाद में? एबटाबाद में, ठीक होगा। सो नंबर आपने देख लिया, गाड़ी भी आप देख ही सकते हैं, ठीक है। बूट खुला हुआ है इसका, बूट दिखाई देता हूँ मैं आपको। ओहो, स्पीकर भी है इसके साथ, ज़बरदस्त वूफर वगैरह, कारपेटेड है अंदर सारा कुछ, ठीक है, नाइस। सो आप नबील भाई से रब्ता कर सकते हैं,
इफ़ यू लाइक दिस व्हीकल। और आपके इलाके में इस गाड़ी की क्या प्राइस है या रिसेंटली आपने ख़रीदी या बेची हो वो भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 88 की जानिब जो बिल्कुल इसके एडजेसेंट ही खड़ी है। इनके ओनर से मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या डिमांड है। तो अब हैरत की बात यह है कि इसके ओनर भी नबील भाई ही हैं। जी नबील भाई, इस 88 पहले तो मुझे बताएं 88 से कोई खास मोहब्बत है आपकी? 88 86 XC ये जो है बस गाड़ियां GLI से कंफर्टेबल है वो तो डेफिनेटली हैं। और दूसरी बात इनकी जो बेनिफिट है ये इसकी जो है कम्फर्टेबल जो है कम्फर्ट के लिहाज से ये बहुत अच्छी है, मजबूत भी है ना और मजबूत भी हाँ। है और उसके अलावा ये वाइब्रेशन वगैरह दूसरे तीसरे इसमें कुछ इसी तरह मसला नहीं आता ना। सही, ये गाड़ी हमें कंफर्ट लिहाज से बहुत अच्छी जो है। और हैदराबाद में पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं आराम से? पार्ट्स इजीली मिलते हैं, हमारी अपनी साथ में ऑटो पार्ट्स की शॉप भी है। फिर आपको क्या टेंशन है? ऐसा ही है। तो अच्छा, इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये 88 मॉडल है और 93 की इम्पोर्ट है। ठीक है, ये सिंध रजिस्टर है, रिटर्न फाइल है, AC हीटर इसका वर्किंग है, गैस पेट्रोल दोनों जो है उस पर ये चलती है और अलॉय रिम वगैरह ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, टायर इसके अच्छी कंडीशन में है, बाहर से स्प्रे है, अंदर से जेन्युइन है। और ये इसका AC भी चल रहा है? जी जी, AC इसका चल रहा है, इसका AC चल रहा है। और इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी डिमांड फाइनल जो है तो ये 8 लाख रुपये है। 8 लाख रुपये फाइनल है? जी जी हाँ फाइनल है। ठीक है, अब इन्होंने बात ही फाइनल कर दी है तो नंबर ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। इन दोनों में से कोई भी आपको गाड़ी पसंद है आप नबील भाई को डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं और यू कैन गो फॉर दिस। और आपकी वजह से स्पेशली जो अगर आपकी वजह से कोई आए उसके लिए और कमी पेशी हो सकती है। चलो ये एब्सोल्यूट फाइनल नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें भी आपके साथ कमी पेशी वो भी इनके थ्रू कोई आया तो आपके थ्रू। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलें डू ट्राई मार्च। सो गाइस, मेरे साथ मौजूद हैं सादुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साद, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साद, लेके आए ऐसी गाड़ी जो कि हम जब छोटे होते थे तो उस वक्त आइकॉनिक एक गाड़ी हुआ करती थी, इंडस करोला। और कंडीशन अगर आप इसकी चेक करेंगे तो आप कहेंगे यार आई वांट टू टेक इट होम। जी बताइएगा कौन सा मॉडल है ये, क्या गाड़ी है? 94 मॉडल है ये। ठीक है, 2008 की रजिस्टर्ड है, इस्लामाबाद नंबर है। ठीक है, और स्मार्ट कार्ड वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो स्मार्ट कार्ड गाड़ी आपके नाम पे? जी जी, घर वालों के नाम। वेरी नाइस, मतलब कोई हैसल नहीं होगी? नहीं, कोई इशू। चेंज करवाते हो? ओके। सो बाहर से तो शावर्ड है? जी ये तो इंपोर्टेड है तो शावर होती है। ठीक है, मैं ज़रा इसका हुड भी खोल के दिखा दूँ। सो इंजन की कंडीशन आप देख सकते हैं, अभी ये सर्विस हुआ हुआ नहीं है, फिर भी नीट एंड क्लीन आपके सामने। अच्छा, इसकी गारंटी तो है ना कि लगी लगाई भी नहीं है? नहीं नहीं, अपनी सीलों में है गाड़ी, मैकेनिक वगैरह को भी चेक करवा सकते हैं, कोई इशू। सही, वो सामने मीटर बता रहा है कि ये CNG पे भी है? CNG भी है। ठीक है, इंजन कौन? 16 वाल्व EFI इंजन है, 1500 cc अपना। ओके, 1.5 लीटर इसके अंदर 16 वाल्व EFI इंजन मौजूद है। ये माइलेज क्या दे रही है वैसे? ये माइलेज पेट्रोल पे भी 9-10 दे रही है और ठीक है गैस पे तो बहुत अच्छी। ये आप शहर की बता रहे हैं या लॉन्ग की बता रहे हैं? शहर के अंदर भी इसी तरह ही है, नो लॉन्ग पे तो इससे लॉन्ग में तो बहुत अच्छी रहती है ये। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, चलो अंदर चलते हैं, हम अंदर से भी कंडीशन देखते हैं। आजकल इस पैड के बड़े एड्स वगैरह चल रहे हैं, इन्होंने लगा के रखा हुआ। अभी ये जिद कर रहे थे कि मैं आपकी गाड़ी के लिए तोहफा दे देता हूँ, मैंने कहा नहीं यार आपने लगाया हुआ तो लगा के रखा। तो अंदर से आप कंडीशन देखें, एंड्रॉयड टैबलेट इन्होंने लगा रखा है, रिवर्स कैमरा वगैरह सब विद रिवर्स कैमरा, 718 के स्पीकर्स वगैरह भी हैं। 718 के स्पीकर्स पे क्या बात है। बैक पे भी आप देखें, गाड़ी नीट एंड क्लीन है जी, साफ सुथरी गाड़ी है। साथ क्या डिमांड कर रहे हैं आप इसकी? 16 लाख रुपए। जी जी। और रजिस्ट्रेशन दोबारा बताइएगा, कहाँ की है ये? 94 है। रजिस्टर्ड कहाँ की है ये? इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी है ये। और 16 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, जो कि फ्लेक्सिबल है या बिल्कुल फाइनल? थोड़ी बहुत हो जाएगी, नेगोशिएबल है थोड़ी बहुत। तो अभी हम जानते हैं साथ का नंबर था कि आप इनसे अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। 03419210105। और गाड़ी अवेलेबल है एबटाबाद के अंदर? एबटाबाद के अंदर। ठीक हो गया, बाकी हर चीज़ की गारंटी ये दे रहे हैं आपको। और टोकन वगैरह शॉर्ट नहीं है इसके? कोई एक साल के रहते होंगे। ठीक है, वो क्लियर वो की होगा सर। ठीक है, वो खुद ही क्लियर करके देंगे ये आपको। तो गाड़ी पसंद आई है तो डू कॉन्टैक्ट हिम। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट गाड़ी की जाने। ओके सर, थैंक यू सो वेरी मच जी, जज़ाकअल्लाह। ठीक है, सो गाइस अब हमारे पास है एक और द बॉस, लेकिन ये बॉस जरा अच्छी कंडीशन में आपको नजर आ रही है, फैंसी फैंसी और नई नई लग रही है। हमारे साथ मौजूद है अहमद सालार, द ओनर ऑफ दिस कार। अस्सलाम वालेकुम। अहमद कैसे आप? ठीक है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
मेरी और अहमद की जान बॉडी देख के आपको लग रहा होगा माशाल्लाह काफ़ी तंदुरुस्त और तवाना अहमद यहाँ पे है हमारे साथ। अहमद मुझे ये बताइएगा, जितना नीट एंड क्लीन आप खुद हुए हैं, मैम गाड़ी भी माशाल्लाह आपने बड़ी फिट रखी हुई है, बल्कि इसको भी कपड़े पहनाए हुए हैं आपने, सीट्स को भी, तो मॉडल कौन सा ये? ये 2018 मॉडल है। 2018 मॉडल, मतलब लास्ट ही मॉडल था ये जो आई थी ये गाड़ी 2019 में लास्ट मॉडल आया था ना, बस ये सेकंड लास्ट वेरिएंट था ये। तो अभी चली हुई कितनी है ये? 96,000 चली हुई है। 96,000 चल चुकी है जी जी। तो इसके साथ आपको सीएनजी किट मिल रही है कि नहीं मिल रही? नहीं नहीं, ये ओरिजिनली जो पेट्रोल ड्रिवन है तो वही मैंने पेट्रोल पे चल रही है ना, अक्सर होता ही है हमारे इलाके में पहली फुर्सत में सीएनजी किट डाल देते हैं ना इसमें। बिल्कुल, बस वो थोड़ा इंजन पे भी इफेक्ट करता है, तो मैंने बोला कि पेट्रोल सही रहेगा। सही, तो आप फर्स्ट ओनर हैं इसके? जी जी फर्स्ट ओनर। वेरी गुड, ओके। सो कोई कमी बेशी तो नहीं है गाड़ी में? लगी भी ओके, बिल्कुल, गाड़ी टोटल जेन्युइन है, चली हुई भी काम है, आपने देखा है? ठीक है, टोटल जेन्युइन है। नंबर कहाँ का? इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। ठीक है, और ये तो पूछना फजूल है कि टोकन शोकन ये लाइफ टाइम ही होता है इसका? हाँ, हाँ। तो अच्छा, क्या डिमांड क्या कर रहे हैं आप इसकी? ये इसकी 1370 डिमांड है। 1370 जी जी। ठीक है, 1370,000 डिमांड है। तो कहाँ तक आपका इरादा है इसको बाय बाय करने का? मेरा तो है लाइक 13 तक इसको देने का इरादा है। 13 तक? जी जी, ठीक हो गया। सो गाड़ी अगर आप अंदर से देख सकें, बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी है। यहाँ पे बैक भी अगर आप देखें इसकी, और इसकी डिग्गी में कम से कम आपको जगह मिलेगी, क्योंकि इसमें सीएनजी किट तो नहीं लगाएगी, इसलिए बूट स्पेस काफ़ी आपको मिल जाती है इसके अंदर, जो हैचबैक में होती है, बस वही माँ हाजिर वाली बात होती है। इसमें इतनी ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते आप। सो इंटीरियर वाइज भी गाड़ी अच्छी है, और एक्सटीरियर वाइज भी बिल्कुल अपने ओरिजिनल कलर में है ये गाड़ी, कहीं से लगी लुगी नहीं है, ना ही कोई टचिंग है इसके अंदर, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी है ये। अहमद आप काइंडली अपना नंबर अगर हमें बता दें। जी जी, 0333531318। और इट इज़ ओनली अवेलेबल इन एबटाबाद, राइट? एबटाबाद और सुन इस्लामाबाद, मेरा चक्कर लगता रहता है उधर। अच्छा अच्छा, तो इस्लामाबाद में भी आ सकते हैं। नो वरीज, तो अगर आपको ये गाड़ी पसंद है तो डेफिनेटली आप अहमद से रब्ता कर सकते हैं, एंड यू कैन बाय दिस व्हीकल। और अहमद ने जैसे बताया कि ये मुकम्मल तौर पर पेट्रोल पर ही चली हुई गाड़ी है, तो इंजन वाइज हर चीज़ की गारंटी आपको दे रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच अहमद। थैंक यू, ओके। सो अब इमरान खान को देख के आप लोग हैरान ना हो, उनका इंटरव्यू हम नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नवीद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है ये इस पिक्चर की वजह से वैसे ही निकल जाएगी आपकी गाड़ी। अच्छा, ये गाड़ी कौन सी गाड़ी है? द बॉस, द वन एंड ओनली बॉस पाकिस्तान की। ये भी फॉर सेल है, और अगेन ऑन बजट लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर हैचबैक में आप इंटरेस्टेड हैं, दिस इज़ द कार फॉर यू। तो जानते हैं नवीद भाई से। नवीद भाई, कौन सा मॉडल है ये? ये बड़ा मॉडल है, सुजुकी मेहरान VXR वेरिएंट है, जिसके अंदर आपको CNG और AC कंपनी फिटेड मिलता है। मैं ज़रा इसकी बैग खोलूँ, हमें AC सॉरी सिलेंडर वगैरह आप देख सकते हैं कंपनी फिटिंग के साथ आपको मिल रहा है ये रहा, और कंडीशन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। सही, अब गाड़ी का इंटीरियर भी अगर आप देखें, साफ़ सुथरी गाड़ी है, रखी हुई गाड़ी है, नज़र आ रहा है आपको। सही, अब इसमें ऐसा दिखाने का कुछ भी नहीं होता, पूछने का बहुत कुछ होता है। नंबर ये सिंध का। नवीद भाई, क्या डिमांड कर रहे हैं इसके आप? ये 8.5। 8.5, तो ये फ्लेक्सिबल है या फाइनल रेट है ये? ये हो जाएगा, थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाएगी, थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाएगी। और मुझे आप ये बता दें सिर्फ, जो हर बंदा पूछना चाहता है, पहले आपको कॉल आएगी वो यही पूछेगा कि यार लगी हुई तो नहीं है कहीं से ये? सिर्फ ये एक दरवाजे पे टचिंग है बस। कौन सा, फ्रंट या बैक? नहीं, बैक दरवाजे, बैक दरवाजे पे थोड़ी सी टचिंग है, जो कि काम हुआ है, ज़ाहिर आपको नज़र तो हाँ। नहीं आएगी, लेकिन ये ऑनर की जिम्मेदारी होती है बताना कि यार यहाँ से टचिंग वगैरह है। इसकी गाड़ी आपके अपने नाम पे? नहीं, ये एक और बंदा उसके नाम पे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक हो गया। सो नवीद भाई, अगर आप अपना नंबर बता दें ताकि लोग रब्ता कर लें फिर। 0343196076। और गाड़ी एबटाबाद नहीं अवेलेबल है? एबटाबाद में अवेलेबल। ठीक होगा। सो गाइस, अगर आपको इमरान खान मेहरान के साथ चाहिए,
तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट नवीद भाई, नंबर आपको ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है एंड दिस इज़ ओनली अवेलेबल इन एबटाबाद राइट नाउ। नवीद भाई थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। सो गाइज मगरब का वक्त हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं नमाज के लिए, अंधेरा भी तकरीबन हो चुका है। ये कुछ गाड़ियाँ थी जो हमने कोशिश की कवर करने की, जिसमें आपको सुजुकी, टोयोटा, होंडा तमाम ही गाड़ियाँ देखने को मिली और ये तमाम मोस्ट ऑफ द कार्स वर अंडर 10 लाख। गाड़ियों की कीमत से और मार्केट जो यहाँ पे चल रही है, आप लोगों का क्या कहना है? एग्री, डिसएग्री? बहुत महंगी हैं, बहुत सस्ती हैं, आपके इलाके के हिसाब से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और इनमें से कोई भी गाड़ी अगर आपको पसंद आई, नंबर्स हमने कोशिश की सबसे लेकर स्क्रीन पे लगाने की, तो डेफिनेटली आप यू फील फ्री जब भी आप उनसे रब्ता करना चाहें, अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा आधी रात को किसी को कॉल ना करें, कोई इंटरटेन आपको नहीं करेगा, इखलाक के भी खिलाफ है। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर तो पसंद आई गिव द बिग थम्स अप। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।